फ्रेंड्स, मैं हूं तोकीर और आप देख रहे हैं टेक पैनल। आज हम बात करेंगे 2023 में लॉन्च होने वाले टॉप मोबाइल फोन्स के बारे में, फ्लैगशिप फोन्स के बारे में। कौन कौन से फोन फ्लैगशिप फोन जो 2023 में लॉन्च हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे, देखेंगे उनमें क्या क्या हमें मिल रहा है, कौन कौन से चिपसेट मिलेंगे, कौन सा कैमरा मिलेगा, किस प्राइस टाइप में हमें मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो मिस मत कीजिएगा। और आप और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर वन भी हमारे पास है वीवो की तरफ से X90। X90 में हमें तीन मॉडल देखने को मिल जाएंगे, X90, X90 Pro, X90 Pro Plus। इसमें हमें दो तरह के चिपसेट देखने को मिल जाएंगे, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 और उसके अलावा डायमेंसिटी की तरफ से 9200 देखने को मिल जाएगा। इसकी प्राइस टैग की बात की जाए तो X90 हमें 1 लाख 1 लाख 20 के राउंड अबाउट मिल जाएगा। X90 Pro की बात की जाए हमें ये 1.5 लाख के राउंड अबाउट देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके X90 Pro Plus के बारे में तो वो 2 लाख के राउंड अबाउट हमें देखने को मिल जाएगा, और ये हमें क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। बात करते हैं नंबर टू की, नंबर टू पे हमारे पास है OnePlus 11। OnePlus 11 में हमें चार मॉडल देखने को मिलेंगे, OnePlus 11, 11T, 11T Pro और 11 Pro। इसमें भी हमें स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके डिस्प्ले की तो 120Hz AMOLED डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा हमें इसमें 50 MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं 2023 के बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। हमारे पास है सैमसंग की तरफ से S23। S23 सीरीज में हमें तीन मॉडल देखने को मिल जाएंगे, S23, S23 प्लस, S23 अल्ट्रा। भी हमें सेम चिपसेट देखने को मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा कैमरा की बात की जाए तो इसमें 108 MP का जो कि हमें S22 अल्ट्रा में देखने को मिला था वही मिलेगा। उसके अलावा बात करें S23 अल्ट्रा के बारे में तो उसमें हमें मे बी 200 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। S23 की प्राइस की बात की जाए तो ये हमें 1.5 से 2 लाख के राउंड पर देखने को मिल जाएगा, और 23 अल्ट्रा की बात की जाए तो ये हमें 2.5 से 3 लाख तक देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं नंबर फोर में, नंबर फोर में हमारे पास है भाई कमाल का फोन जो कि है टेक्नो की तरफ से टेक्नो पैटम X2 और X2 Pro। इसमें हमें दो मॉडल देखने को मिल जाते हैं, X2 और X2 Pro देखने को मिल जाएगा। बात की जाए इसकी प्राइस की तो ये हमें 1 लाख के राउंड ओवर देखने को मिल जाएगा। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.8 इंच का हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो 120Hz एमोलेड डिस्प्ले इसमें हमें देखने को मिल जाएगा, और इसमें हमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और 45W का फास्ट चार्जिंग की स्पॉट मिल जाएगी। अब बात करते हैं नंबर फाइव पे, तो नंबर फाइव पे हमारे पास है रियलमी की तरफ से GT Neo 5। इसमें हमें स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 मिल जाता है, 144Hz का AMOLED डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इसमें हमें 240W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, और अगर बात करें इसकी प्राइस की तो ये हमें 60 से 70 हज़ार तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नंबर सिक्स पे बात करते हैं, नंबर सिक्स पे हमारे पास है ओप्पो का, ओप्पो की तरफ से Reno 9 सीरीज। Reno 9 सीरीज में हमें Reno 9, Reno 9 Plus, Reno 9 Pro और Pro Plus देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं नंबर सेवन पे, तो नंबर सेवन पे हमारे पास है OnePlus की तरफ से Nord CE 3। इसमें हमें स्नैपड्रैगन 695 देखने को मिल जाएगा, 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं नंबर एट पे, तो नंबर एट पे हमारे पास है सैमसंग की तरफ से Z Flip 5 और Z Fold 5। ऑलमोस्ट ये हमें जुलाई के एंड में देखने को मिल जाएंगे, जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के शुरू में देखने को मिल जाएंगे। और फिर भाई बारी आती है नंबर नाइन पे, हमारे पास आईफोन की एप्पल की तरफ से हमें देखने को मिल जाएंगे 15, 15 प्लस, 15 प्रो, और इस बार शायद हमें 15 प्रो मैक्स या फिर 15 प्रो अल्ट्रा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार एप्पल बहुत ज़्यादा अपने कैमरा को इम्प्रूव करने वाला है 15 प्रो मैक्स में, या फिर 15 प्रो मैक्स को चेंज करके अल्ट्रा में चेंज कर देंगे। और फिर उसके बाद साल के एंड में हमें देखने को मिलेगा गूगल पिक्सल की तरफ से Google Pixel 8, और उसके साथ शायद हमें कोई गूगल पिक्सल फोल्ड देखने को मिल जाए। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं चलने एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।